वेलकम टू फ्लेवर कोस्टर। मैं हूँ गीता। आज मैं आपके साथ एक बच्चों की डिश शेयर करूँगी, बच्चों की फेवरेट डिश जो है चॉकलेट लोडेड मफिन्स। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप उसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। इजी है और बहुत टेस्टी भी होती है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने 400 ग्राम्स मैदा लिया है। बेकिंग में पहले तो हमको सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमको सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हमको छान लेना है। तो पहले मैं ये सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं छान ले रही हूँ। उसमें ये मैदा, पहले 400 ग्राम्स मैदा लिया है मैंने, 1.5 कप जितना मैंने शुगर लिया है, तो इसको भी हम छान लेंगे इसके साथ। 1.5 कप अराउंड 270 ग्राम्स का जो है वो शुगर है मेरा, इसको हम छान लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको एकदम लेवल करके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, बेकिंग में मैं बार बार कहती हूँ कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स का ही बनाइए तो आपका परफेक्ट बनेगा। फिर हम इसमें उस बेकिंग पाउडर भी डालेंगे और बेकिंग सोडा भी डालेंगे। बेकिंग सोडा हम सिर्फ 1/2 टीस्पून ही डालेंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। फिर हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सॉल्ट भी हम डालेंगे, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट भी डालेंगे इसमें। ये सब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसे अभी हम छान लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि कोई लम्ब जब हम बेक करें तो हमें हमारा जो है इसमें एयर इनकॉर्पोरेट अच्छे से हो जाए और अच्छे से बेक हो जाए, नहीं तो फिर सॉफ्ट नहीं बनता है। इसको अच्छे से हम छान लेते हैं। इसके लिए मैं ये बीटर यूज़ कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डिस्क से भी करेंगे इसको बीट तो भी उससे भी अच्छे से हो जाएगा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहले 2/3 कप जो है बटर है इसको हमको बीट करना है। 2/3 कप मतलब ये अराउंड 160 ग्राम्स है बटर, सॉफ्ट वाला बटर है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे। आप इसमें ऑयल भी ले सकते हैं। इसको हमें पहले बीट करना है। इसे हमें थोड़ा क्रीमी करना है। ये थोड़ा क्रीमी हो जाएगा तो इसका जो येलोइश कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इसके लिए मैंने दूध और पानी लिया है। इसमें 200 ml दूध है और 100 ml पानी है। ये हम एक ये डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमारा मैदे का मिक्सचर है वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको हम बीट करेंगे। और ये वनीला एक्सट्रैक्ट है, ये 1 टीस्पून जितना मैं इस दूध में ही डाल देती हूँ, वो उसमें हम मिक्स करते जाएंगे। ये थोड़ा हम मैदा भी इसमें डालते जाएंगे। ये साथ में इसलिए नहीं डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से बीट हो जाए, इसमें फिर लम्स नहीं फॉर्म हो। तो थोड़ा साइड से भी जो है स्क्रेप करके आपको निकाल देना है इसे। ये पूरा भी हमने मिक्स कर दिया है, अच्छे से बीट भी हो गया। अब इसलिए हम थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे, तो मैं ये फूड कलर ले रही हूँ। आप ये पाउडर वाला भी ले सकते हैं, ये वाला मैं आज ये पाउडर वाला यूज कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, इसका कलर जितना आता है उस हिसाब से। क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं कलर्स, तो ज़्यादा कलर हो जाता है कभी कभी, तो एक बार आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, फिर आप चेक कर लीजिए कितना कलर होता है। ये हमारा हो चुका है। इसमें मुझे यही कलर पसंद है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। अगर आपको ज़्यादा ब्राइट रेड चाहिए तो थोड़ा सा और, आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है। अब हम इसमें
विनेगर डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून जितना इसमें विनेगर डाल के, और फिर हमें बीट नहीं करना है, हमें सिर्फ मिक्स करना है उसको स्पैटुला से। ओवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया है, बस अब ये 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के और सिर्फ मिक्स करेंगे। अब बीट नहीं करना है, इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल, थोड़े से नहीं बहुत सारे डालेंगे, इसको चॉकलेट लोडेड बना लेंगे तो बच्चों को अच्छा लगेगा। थोड़े से अंदर डाल देते हैं और थोड़े से हम उसको ऊपर से भी डाल देंगे। इसके लिए मैंने कपकेक्स के जो मोल्ड्स आते हैं छोटे छोटे पेपर कप्स जो आते हैं वो मैं ले रही हूँ। आप चाहिए तो आप उसमें लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो स्टैंड हो तो कपकेक का, पर वो मेरा वो जो स्टैंड है वो छोटा है और मुझे, मैं ये ज़्यादा बना रही हूँ मैं, तो मैंने इसमें ऐसे ये जो कपकेक के मोल्ड्स हैं ऐसे वाले पेपर कप्स इसमें मैं डाल दूँगी। इसको हमको पूरा नहीं भरना है, हमें उसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा भरना है क्योंकि ये वैसे भी रेज होगा तो फिर ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको आधे से थोड़ा ज़्यादा भर के रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतने में एक बैच में डाल रहे हैं बेक करने के लिए, बाकी के नेक्स्ट बना लेंगे। इसमें हम ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए थोड़े से ये चॉकलेट चिप डाल देते हैं और फिर हम उसे 15-20 मिनट्स के लिए बेक कर देंगे। ये हमारा एक बैच हो चुका है, अराउंड 20 मिनट्स लगे इसे बनने में। इसी तरह जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी हम बेक कर लेते हैं। ये अराउंड 21 मफिन्स बने हैं, इतने जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं उसमें 21 मफिन्स बने हैं। अभी बाकी के हम डाल देते हैं बेक करने के। ये हमारे चॉकलेट लोडेड मफिन्स रेडी हैं, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।